देखिए रिजॉल्विंग पावर मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को अगर कोई बहुत ही माइन्यूट सी चीज है, छोटी सी चीज है, तो उसको जितना ही ज्यादा आप उसको क्लोजली रिजॉल्व करके, इनलार्ज करके, और जितने अच्छे से आप उसको ऑब्जर्व कर पाओ, और उस ऑब्जर्वेशन में जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको उसको रिजॉल्व करने में हेल्प करती हो, तो उसको वो एपरेटस, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, चूंकि आपको उसको देखने में हेल्प कर रही है, इसलिए वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट उसकी रिजॉल्विंग पावर मानी जाएगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम अपने फ्रेंड्स की फोटोज अगर मोबाइल से खींचते हैं, और फ्रेंड्स काफी दूर होता है, हम फ्रेंड्स के काफी दूर होते हैं, तो वैसे हाल में क्या होता है कि आप इसको जूम करते हो, आप अपने कैमरे को या मोबाइल अगर आपने हाथ में ले रखी है, आपने अपने हाथों में मोबाइल ले रखी है, तो मोबाइल को आप क्या करते हो, जूम करते हो। जूम करने से क्या होता है, ये जो आपका फ्रेंड्स जो इसकी साइज अभी थोड़ी छोटी या दूर से थोड़ा छोटा दिख रहा था, अब वो आपको, यही फ्रेंड्स आपको जो है थोड़ा बड़ा दिखता है, और इवन आपके इसके शर्ट की बटन भी देखनी हो तो और भी जूम करके आप इसको आराम से देख सकते हो। तो इनफैक्ट रे ऑप्टिक्स में इसका काफी इंपॉर्टेंस है, जो रिजॉल्विंग पावर की बात मैं कर रहा हूँ। और रिजॉल्विंग पावर का फंक्शन क्या है, क्यों हम रिजॉल्विंग पावर की स्टडी करते हैं, तो वो चीज को हमें यहाँ पे देखना है। मान लिया जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जानना चाहते हो कि इनफैक्ट रिजॉल्विंग पावर एक्चुअल में क्या होता है, मुझे नहीं पता, तो मैं कहूंगा कि देखो मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे चीज को यहाँ पे दिखाऊंगा और उससे आपको बताऊंगा। देखो कि मान लो मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्वीज कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल को दिखाने के लिए, आपको स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्वीज करके उसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, और उसमें यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि कैसे रिजॉल्विंग पावर को यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए, ये स्क्वीज कर दिया मैंने रिजॉल्विंग पावर। अब मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिख रखी हैं, बहुत सारी चीजें, अभी हाल फिलहाल में आपने जो चीजों को यहाँ पे स्टडी किया है इस स्क्रीन पे, वो उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। अब आप देखो, आपने अभी अभी देखा था यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, आपको कुछ दिख रहा है क्या? आपको कुछ दिखाई दे रहा है, मैंने जो लिखा है कुछ दिखाई दे रहा है इसमें से? सर बहुत माइन्यूट है सर, कुछ नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। तो थोड़ा सा रिजॉल्व करके देखते हैं, थोड़ा सा और मैग्निफाई करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में है क्या यहाँ पे लिखा हुआ। तो शायद मैग्निफाई करने का मतलब जूमिंग करना होगा, तो जूम करके देखते हैं। अब ये परसेंटेज मेरे पास दिख रहा है, कितना परसेंट मैंने जूम किया है, और अब आपको यहाँ पे उस परसेंटेज के हिसाब से मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा और कर दूँ छोटा सा, देखो ये 20% है, अभी 12% हो गया, 12% में नहीं दिख रहा, मैंने परसेंटेज बढ़ा दी, 17% जूम हो गया, और परसेंटेज मैं बढ़ाता हूँ, 45%, बिल्कुल अब थोड़ा बहुत दिखने लग गया मुझे। मतलब एक्चुअल में कोई भी दो चीजें हैं उसके काफी क्लोज के बीच क्या लिखा हुआ है, क्या चीज उसमें दिख रहा है, उस चीज को ये बताता है, इसका मतलब रिजॉल्व करके दिखला देता है कि हाँ ये चीज ऐसा है। ठीक है, तो इसको ये यहाँ पे हमें यहाँ पे देखना है। यहाँ पे मैं ये चीज आपको क्लियर लिख देना चाहता हूँ यहाँ पे, ताकि हमारे भी समझ में आ जाए। और क्या है, तो व्हेन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, वेरी क्लोज टू ईच अदर, आर सीन थ्रू एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, देन देयर डायफ्रेक्शन पैटर्न विल ऑल्सो बी वेरी क्लोज,
डिफ्रेक्शन पैटर्न भी काफी क्लोज होगा इसके। Each other are seen by किसके थ्रू, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी हो, जिसके लिए जिसके हेल्प से वो रिजॉल्व होके देख रहा हो, देन देयर डिफ्रेक्शन पैटर्न विल आल्सो। हमें ये देखना है कि मान लिया जाए कि अगर ओवरलैप कर रहा हो डिफ्रेक्शन पैटर्न, काफी छोटा होके ओवरलैप कर रहा हो, तो ऐसे केस में जो इमेजेस होंगी उसको सेपरेट करके देखते हैं हम लोग इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, और ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट उसको सेपरेट करके रिजॉल्व करके दिखाने में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजीली स्मूथली कैपेबल होता है। इसलिए इस तरह के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। हालांकि अगर आपकी ओवरलैपिंग अगर लार्ज हो तो वैसे केस में ऑब्जेक्ट विल नॉट बी सीन एज सेपरेट। और सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मान लिया जैसे थे कि मैं बता रहा था कि अगर आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसको रिजॉल्व नहीं कर पाता है तो वो ऑब्जेक्ट एक ही दिखेगा, दो सेपरेट ऑब्जेक्ट मतलब उसके बीच की सेपरेशन नहीं दिखेगी, या दो पॉइंट उसके सेपरेट होते हुए वहां पर नहीं दिख पाएंगे, तो वो रिजॉल्विंग पावर नहीं माना जाएगा जब तक उसको ये बीच की सेपरेशन इंक्रीज ना कर दी जाए दो पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच की। हेंस द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज द पावर और एबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट to produce distinctly separate image of two close objects. अब आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो।